हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक करना है हमें भाई, वो टॉपिक का नाम है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। हम डेरिवेशन करेंगे और उसका एग्जांपल करेंगे। ठीक है, जब हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम बाद में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन। टॉपिक है एरर इन मल्टीप्लीकेशन। अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर पे क्या इफेक्ट होगा वो हम यहां पे स्टडी करेंगे। सपोज मैंने एक्स को क्वांटिटी मानी है और जो कि ए और बी इन दोनों का मल्टीपल है। ए में कुछ एरर था, बी में भी कुछ एरर था, तो प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगा। ए का हमने एरर मान लिया डेल्टा ए, सो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, एक्स के अंदर भी कुछ एरर होगा, एक्स प्लस माइनस का डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, अब ए कॉमन ले लो इसमें से, क्या मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए। बी कॉमन ले लो, वन प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब a इंटू बी किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस माइनस का डेल्टा x by x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a मल्टीप्लाई टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b by b। मल्टीप्लाई कौन करोगे, 1 टू 1 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा a by a इंटू डेल्टा b by b is equal to 1 plus minus delta x by x। 1 से 1 cancel हो जाएगा भैया। अब यहां अगर मैं आपसे कहूं delta a की value, error in a is very very small than that of a, similarly delta b is very very small than that of b, तो उन delta a by a जो करेंगे वो हमारे पास और भी less हो जाएगी value, delta b by b करेंगे तो value और भी less हो जाएगी, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्यों, अगर बहुत छोटी चीज को प्लस या माइनस करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो वी नेगलेक्ट डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द रिजल्ट फॉर फाइंडिंग द एरर इन मल्टीप्लीकेटिंग टू क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि कंसेप्ट को क्लियर हो जाए हमारे पास। मैंने क्या किया भाई, आपको दिया कि करंट जो है किसी भी वायर में फ्लो कर रहा है 4 प्लस माइनस 4 एम्पीयर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो था 2 प्लस माइनस 0.2 ओम का था, और मैं आपसे पूछ रहा हूं वोल्टेज बताओ कितनी होगी विद एरर। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, आई इनटू आर होता है, आई इनटू आर होगा, तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। 4 इंटू 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8। ये 8 हमारे पास में क्या बन गई, वोल्टेज। अब एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट पे आओ। क्या था डेल्टा ए बाई ए, इसका मतलब डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा वी बाई वी। ठीक हो गया भाई, प्लस माइनस साइन बोथ साइड था हमारे पास में। अब डेल्टा आई कितना है, 0.4, आई कितना है 4, डेल्टा आर कितना है 0.2, ठीक है, आर कितना है 2, ये हमारे पास किसके बराबर आया भाई, डेल्टा वी बाई वी के बराबर। तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आएगा, ये 0.1 पे जाएगा, ये भी हमारे पास में 0.1 पे जाएगा, तो 0.1 प्लस 0.1 क्या बन जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई टू वी, इतना क्या होगा मल्टीप्लाई वी, कितना हमारे पास में 8 था, तो 8 मल्टीप्लाई टू 0.2 कितना आएगा 1.6। इसका मतलब एरर मुझे मिल गया 1.6, और वोल्टेज थी कितनी 8, तो हमारा आंसर बन जाएगा v प्लस माइनस डेल्टा v का 8 प्लस माइनस 1.6 वोल्ट, 8 प्लस माइनस 1.6 वोल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है भाई, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच।